दोस्तों आज के डेट का सबसे बड़ा बिजनेस और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या आप औरत हैं, या आदमी हैं, या हाउसवाइफ हैं, या बूढ़े हैं, या जवान हैं, कोई भी आप हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो और ये बिजनेस आप कर सकते हो। वुड यू लाइक टू नो अबाउट दिस? अगर हाँ दोस्तों तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें एंड नाउ लिसन टू द मोस्ट पावरफुल आइडिया। दोस्तों देखिए, सबसे सरल और सबसे पावरफुल बिजनेस आइडिया जो आज की डेट का सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया है वो है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए ना तो कोई फैक्ट्री चाहिए, ना ही कोई रॉ मटेरियल चाहिए, सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड पर्सनल ब्रांड अगर आपकी बन गई तो आपकी पर्सनल ब्रांड आपको लाखों करोड़ों कमा के देगी। दोस्तों आज कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपनी पर्सनल ब्रांड बनाई है और उसके कारण काफी पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, ओके? और काफी पैसा मतलब करोड़ों में, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ लोग यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं, क्योंकि जब उनका यूट्यूब चैनल पॉपुलर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जानने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जानने लगे तो कई बार फिल्म स्टार्स भी उनके चैनल पे आने लगे, फिल्म स्टार्स से भी उनकी बातचीत होने लगी, अच्छे अच्छे लोग उनके साथ जुड़ने लगे, अच्छे अच्छे लोगों को भी ऑडियंस चाहिए, क्राउड चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, एंड दे आर रियली गेटिंग पॉपुलर। दोस्तों आप भी अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, ऑलराइट? अब आप कहेंगे सर यूट्यूब मुझे समझ में आता है लेकिन यूट्यूब इतना ईजी भी नहीं है। दोस्तों ईजी तो जिंदगी में सब कुछ होती तो हर कोई ब्रांड बन जाता ना। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव ये चक्रवर्ती सम्राट बनना कितना डिफिकल्ट है, इसके लिए कितने सालों घर से बाहर रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कभी कभी सोचता हूं काश ये बहुत इजी होता। और चाणक्य ने कहा अगर ये इजी होता तो हर कोई चक्रवर्ती सम्राट होता। तो पर्सनल ब्रांड बनना डेफिनेटली उतना इजी नहीं है लेकिन ये कंपैरेटिवली इजी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल के उसको बड़ा करने के कंपैरिजन में ये इजी है। एक प्रोडक्ट बना के और उसको बड़ा करने में जो पैसा, एनर्जी, रिस्क सब कुछ होता है उसके कंपैरिजन में ये इजी है। ये इजी है उसके कंपैरिजन में कि जिंदगी भर आप एडजस्ट करते रहें, ये इजी है उसके कंपैरिजन में कि आप वो जॉब कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं है और रोज अपना टाइम वहां दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू अर्न सर्टेन अमाउंट। दोस्तों उसके कंपैरिजन में ये इजी है। तो क्यों है ये इजी और क्यों है ये सबसे बड़ा बिजनेस? क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्रांड नेवर फेड्स अवे, वेरी रेयरली अ ब्रांड फेड्स अवे, ब्रांड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद टाइम। ये ब्रांड वो स्नोबॉल इफेक्ट है जो छोटी सी होती है, जब पर्वत के ऊपर से गिरती है और धीरे 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 वो अपने साथ बहुत सारी बर्फ बर्फ लपेटते लपेटते नीचे आते आते वो बहुत बड़ा गोला हो जाता है, वो गांव के गांव डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना पावरफुल हो जाता है। दोस्तों देखिए, ब्रांड्स ही तो बिक रही है। नाइकी का जूता, जूते में क्या है, जूते तो कई सारी कंपनी बना रही है लेकिन उसके ऊपर जब नाइकी का लोगो लग गया तो वही जूता जो शायद 1,000 रुपए में मार्केट में बन रहा होगा या रॉ मटेरियल वगैरह सब मिला के 1,500 का बन रहा होगा, वो 15,000 में बिकने लग जाता है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड। एक कोको कोला जैसी चीज जो कि 1 रुपए में शायद बनती है या 2 रुपए में बनती है, जस्ट बिकॉज उस पर कोको कोला लिखा हुआ है या पेप्सी लिखा हुआ है, वो 30-40 रुपए में बिकने लग जाती है। दैट इज द पावर ऑफ द ब्रांड। ब्रांड के कारण लोग पागल हो रखे हैं। ब्रांड के कारण एप्पल जैसा आईफोन आज 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में बिक रहा है और एप्पल के लैपटॉप्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। एप्पल दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, पावर ऑफ ब्रांड। खैर, ब्रांड का पावर समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप कैसे पर्सनल ब्रांड नहीं, ये मैं छोटे छोटे स्टेप्स आपको बना देता हूं और वो सारे स्टेप्स आप सुन लीजिए, समझ लीजिए एंड अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। दोस्तों सबसे पहला स्टेप, ओके, हैव योर पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, और वेबसाइट के साथ साथ आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अप कर दें। सोशल मीडिया में आपको पता ही है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे सर ये बहुत बड़ा काम होता है। बड़ा काम नहीं है दोस्तों, एक बार किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके सारी प्रोफाइल्स को सेटअप करवा ले और उसी प्रोफेशनल ने आपकी वेबसाइट वगैरह बना दी और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर स्टाइल बना लें अपने कंटेंट का, और कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने कौन सा कंटेंट क्रिएट करना है वो आप देख लें। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप गांव की भाषा में, आप देसी भाषा में, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, आप बूढ़े हैं तो वैसा कंटेंट लाइए। मतलब लोगों को क्या लगना चाहिए आपसे मिलने के बाद सोशल मीडिया में, उनको उनके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि यस यार मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला, या उनको ऐसा लगना चाहिए मैं इस आदमी से इंस्पायर हुआ, या उनको ऐसा लगना चाहिए यार ये आदमी कितना नॉलेजेबल है, या उनको लगना चाहिए इसने कितने काम की बात कही है। दोस्तों बस अपनी प्रोफाइल्स को एंगेज रखना है, इसके क्रिएटिव आइडियाज आपको भर भर के इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है लेकिन ये होता ही तो नहीं है, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल है, कीप अ सिंपल डिसिप्लिन, कीप अ सिंपल डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन है? कि मुझे
महीने के एक दिन या दो दिन ब्लॉक करना है अपने समय और पूरे महीने का कंटेंट लिख के रख देना है। ये यहां से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, मैं आपको क्या लगता है ये YouTube वीडियो में रोज आता हूं और रोज बनाता हूं और रोज फिर एडिट होता है? नो, मैं हफ्ते में एक दिन आता हूं, एक दिन में अपने हफ्ते भर के पूरे वीडियोस बना दिए या 15 दिन के वीडियोस बना दिए, कभी कभी दो दिन में 20 दिन के वीडियो बना दिए ताकि मैं जब ट्रैवल भी कर रहा हूं तो भी वीडियो जा सके। मतलब इट्स सो ईजी, डिसिप्लिन सिंपल रख लीजिए। महीने का दो दिन, आप अगर जॉब में है तो सैटरडे संडे, अगर आप ऐसी जॉब में है जहां सैटरडे ऑफ नहीं है तो दो संडेज का सैक्रिफाइस किया, पूरे महीने का कंटेंट बन जाता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप पोस्ट कंटेंट बनाइए, आप बिल्कुल छोटे वीडियोस बनाइए, 30 सेकंड्स की वीडियो बनाइए, 5 सेकंड की वीडियो बनाइए, ऑडियो कंटेंट बनाइए, लिमिटेशन मत लाइए। द रीजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, जब जब आप लिमिटेशन लाते हैं तब तब आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। और आपको पता है क्या है कि दोस्तों, कई बार वन वीडियो इज इनफ टू मेक यू सुपर वायरल। ओके, वन वीडियो, एक वीडियो, आपको पेशेंस रखना है। अब आप में से कई लोग कहते हैं सर हम वीडियो बनाते हैं लेकिन व्यूज नहीं आते। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं और व्यूज नहीं आ रहे, मतलब क्या है? 300 व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन आज आपने वीडियो नहीं बनाया तो 300 भी नहीं आए, आज आपने वीडियो नहीं बनाया, ऑडियो नहीं बनाया तो 100 भी नहीं आए। आप कहते हो सर मेरे तो वीडियो बनाता हूं 50 ही व्यूज आते। अरे भाई 50 तो आए, दैट इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट दोस्तों। उसी मेंटालिटी से, जीरो आने से बेटर है 50 आने से बेटर है 100 आने से बेटर है 300। एंड मैं कह रहा हूं आप रोज करते जाएं एंड धीरे धीरे करते जाएं, आई वुड से यू विल रियली हैव अ ग्रेट टाइम। चौथी चीज है दोस्तों, अपनी फोटो को यूज करें हर जगह, फोटो को इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी को हर जगह इस्तेमाल करें, अपनी ब्रांड का एक अलग स्टाइल बना दें। जैसे मैं हमेशा भूपेंद्र सिंह राठौड़ को लिखता हूं BSR। आज मैं अपना ही टी शर्ट पहन के ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों BSR तो आपके सामने खड़ा है, YouTube के चैनल पे भी आपको कोच BSR दिख रहा है, बट मैं चाहता हूं कि ये आपके हैमरिंग हो जाए बार बार, आपके माइंड में हैमरिंग हो जाए बार बार, छप जाए। एंड आई एम प्राउड टू वेयर माई ओन ब्रांड टी शर्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? राइट, अपनी ब्रांड के ऊपर प्राउड होना चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहले मुझे लगता था कि यार अपना ही टी शर्ट पहनना या अपने ही बारे में बात करना या अपने ही चैनल का नाम अपने ही उस हिसाब से कोच BSR लिखना, ऑल दीज थिंग्स आर रियली टफ यार, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन दोस्तों वही लोग आपको वैल्यू करने लग जाते हैं एक लेवल के बाद। तो कहते हैं पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर लोग आपको इग्नोर करते हैं, फिर लोग आपसे हेट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, आपको सीक्रेटली एडमायर करने लगते हैं आपके अचीवमेंट्स के कारण। इसलिए कभी यह नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप छोटे छोटे और कई सारी चीजें हर लेटर हेड पे, हर सोशल मीडिया पे, हर एक ओकेजन पे कहीं ना कहीं अपने फोटो के साथ, अपने फोन नंबर के साथ, अपने ईमेल के साथ, एक यूनिक ब्रांडिंग के साथ आप अपना सारा सारा चीज यूज करें, ताकि आप लोगों को मैसेजेस भी भेज रहे हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस भी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे भी भेज रहे हैं, तो आप अपनी ब्रांड के साथ भेजें, अच्छा फोटोशूट करवाएं अपना, मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड फोटोशूट, है ना? फोटोशूट आपका अच्छा होना चाहिए। फोटोशूट में एक बार पैसा लगता है बट इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। अच्छा फोटोशूट होगा तो अच्छे फोटोशूट के साथ आप अच्छी फोटोज को डाल पाएंगे। आज देखिए हम लोग रहते तो ऐसे ही हैं लेकिन हर एक थंबनेल पे सूट वूट के साथ थोड़ा बहुत फोटोग्राफ्स होती है, उनसे एक छोटा सा इंपैक्ट आता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपना एक फोटोशूट करवा लीजिए एक अच्छा सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगता, आजकल तो कैमरा से मोबाइल से भी हो जाता है अच्छे अच्छे फोटोशूट, आजकल तो इतनी सारी लोकेशन है कि फोटोशूट करवाने का कोई दिक्कत नहीं है। और फोटोशूट करवाने के साथ साथ दोस्तों कुछ छोटा डिसिप्लिन कि भाई आप लोगों को ग्रीट करें, लोगों से मिलें, या अपना स्टेटस को रोज अपडेट करें, या अपनी स्टोरीज वगैरह में थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच ले आए, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच। ओके, आपके काम के हिसाब से, आप कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी में भी थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच, अच्छी कॉमेडी, अच्छी हाई स्टैंडर्ड की कॉमेडी आप कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं या और किसी तरह की चीज़ें, तो वो आपका एक फोर्टे बन जाए। आप एक इंटेलेक्चुअल ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाएं, अगर आप एक स्टूडेंट ओरिएंटेड ब्रांड बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट टीचिंग वगैरह से रिलेटेड ब्रांड बनना चाहते हैं, तो वो आप बन सकते हैं। तो हर जगह अपना फेस इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। देखिए मुश्किल है एक कंपनी को ब्रांड बनाना, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हजारों है, लेकिन आप पूरी दुनिया में इकलौता पीस हो ऐसा। पीपल कैन प्रॉबली कॉपी व्हाट आई एम टॉकिंग बट पीपल कैन नॉट पुट माय फेस ओवर देयर, और पीपल कैन नॉट चेंज देयर फेस टू माय फेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन नॉट, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं मैं अपने फेस को मोदी जी जैसा नहीं बना सकता और मेरी ब्रांड को वहां पर नहीं लगा सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि आई एम यूनिक, ही इज यूनिक, आई हैव बिकम मल्टी मिलियनेयर यूजिंग दिस। यू टू कैन बिकम माय डियर फ्रेंड्स एंड इट कैन बिकम अ वेरी पावरफुल वन। अब लास्ट चीज,
मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद इट। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पिछले 12 साल से कंसिस्टेंट हूं और इसी फील्ड में हूं, इसी फील्ड में रोज ग्रोथ कर रहा हूं, इसी फील्ड में लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूं, हर साल मेरा ग्रोथ इस फील्ड में हो रहा है। आप भी इस फील्ड में कंसिस्टेंट रहें, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आई अश्योर यू आप इस वीडियो को देख के मिलियंस एंड बिलियंस कमा सकते हैं अगर आपने इस थी चीज पे ध्यान दिया तो। वैसे तो ये आपके लिए एक अलग से एक और एक्स्ट्रा वीडियो आ गया यूट्यूब के ऊपर, आप देखेंगे इसे, नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, आप इसको थोड़ी देर में स्किप कर देंगे, लेकिन जितने भी लोग इस मोमेंट तक इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा। दैट मींस योर माइंड हैज गॉट द आंसर हाउ डू यू बिकम बिग। शुरू कीजिए 300 से 500, 500 से 1000, 1000 से 15000, धीरे धीरे बहुत ग्रोथ होगी। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।